जुरासिक वर्ल्ड से पहले जुरासिक पार्क 4 मूवी कैसी होने वाली थी, क्या रही है जुरासिक वर्ल्ड के एक्टर्स की कुछ रियल लाइफ किस्मत की कहानियाँ जो एक्चुअली जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए थे, क्या सचमुच एक टीरेक्स को हील्स में भाग कर पीछे छोड़ा जा सकता है, जानेंगे बिहाइंड द सीन किस किस तरह के और कौन कौन से डायनासोर्स को इस नई फ्रेंचाइजी के अंदर दिखाया गया था, इस फ्रेंचाइजी के कौन से डायनासोर को एक्चुअली डीसी के जोकर पर मॉडल किया गया था, क्या रही है क्रिटिकल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी की, और जुरासिक वर्ल्ड से हमें नेक्स्ट मूवी कब देखने को मिलेगी। इस चैनल पर हमने बहुत पहले जुरासिक पार्क की फ्रेंचाइजी के बारे में बात किया था, बट कभी जुरासिक वर्ल्ड की स्पेसिफिक फ्रेंचाइजी के बारे में बात नहीं किया था, और ये आज की वीडियो स्पेसिफिकली उसी फ्रेंचाइजी के ऊपर होने वाली है, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सक्सेसफुल जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी के खत्म होने के बाद साल 2017 में जाकर हमें जुरासिक वर्ल्ड फ्रेंचाइजी देखने को मिली, लेकिन सच तो यह है कि जुरासिक पार्क फ्रेंचाइजी को और आगे बढ़ाने के लिए इस बीच और भी बहुत सारे प्लान्स बनाए गए थे, जहां पर स्पेसिफिकली मई 2001 में स्टीवन स्पीलबर्ग जुरासिक पार्क 4 पर काम कर रहे थे, जहां पर विलियम मोनाहन इस मूवी की कहानी को लिख रहे थे, एंड मिड 2005 में इस मूवी को रिलीज करने का प्लान किया जा रहा था, जहां पर इस मूवी के इनिशियल स्टोरी के हिसाब से कई सारे डायनासोर्स एक्चुअली कोस्टा रिका के मेनलैंड में माइग्रेट करते हैं, जहां पर डॉक्टर एलन ग्रांट और ईएम मेलकन मिलकर इस जगह पर एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स को ले जाते हैं। बाद में उन्हें यहां पर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन डायनासोर मर्सिलरीज के बारे में भी पता चलता है, जो बेसिकली क्लोनिंग और डीएनए मैनिपुलेशन और म्यूटेशन के जिम्मेदार थे, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही हो गया था, जिसके कारण धीरे धीरे इन मर्सिलरीज के कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया जेनेटिकली मॉडिफाइड और ट्रेंड डायनोनिकस डायनासोर से, जिसे एक्चुअली जुरासिक वर्ल्ड मूवी के अंदर वेलोसिराप्टर से चेंज किया गया, और इवेंचुअली इस मूवी के लंबे समय तक झूलने के बाद 2012 में अमेंडा सिल्वर और रिक जाफा को इस मूवी को रीराइट करने के लिए चुना गया और नई मूवी को क्रिएट किया गया। अब आप इसे इत्तेफाक कहिए, किस्मत कहिए या भविष्यवाणी, कभी कभार हमारी कही हुई बातें 100% सच हो जाती हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ था इस मूवी सीरीज के अंदर ओवन का रोल प्ले करने वाले क्रिस प्रैट के साथ, जो ऑफ कोर्स इस मूवी से पहले गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में फेमस तो हो ही चुके थे, बट उससे पहले भी वो एंडी डॉयर के रूप में हिट टेलीविजन शो पार्क्स एंड रिक्रिएशन के अंदर जाने जाते थे, और इसी शो के एक बोनस फीचर के दौरान क्रिस प्रैट ने 2009 का एक वीडियो शेयर किया था, जहां पर उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की थी कि उन्हें एक्चुअली जुरासिक पार्क 4 से एक रोल के लिए ऑफर आया है, और एक्चुअली यही चीज सच साबित हुआ। बात जब किस्मत की हो रही है, तो पहली मूवी के अंदर एक और किस्मत की कहानी जुड़ी हुई थी बॉलीवुड एक्टर इरफान खान सर की हिस्ट्री से, जहां पर जैसा कि उन्हें इस मूवी के अंदर साइमन मसरानी के रूप में कास्ट किया गया था, पहली मूवी के लिए कैरेक्टर काफी सिंपैथेटिक और इन्फ्लुएंशियल था, लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब सबसे पहली 1993 की मूवी यानी जुरासिक पार्क रिलीज हुई थी, तब इरफान खान सर के पास इस मूवी को देखने के लिए पैसे तक नहीं थे। पहली जुरासिक वर्ल्ड की फिल्मिंग एक्चुअली अमेरिका के न्यू ऑर्लियंस के सिक्स फ्लैग्स अम्यूजमेंट पार्क के अंदर हुई थी, जिसे एक्चुअली पहले जैज लैंड बुलाया जाता था, और इसे 2002 में सिक्स फ्लैग्स नाम की कंपनी ने खरीद लिया था। इवेंचुअली इस जगह पर हरिकेन कटरीना की वजह से काफी तबाही हुई, और इवेंचुअली 2005 में लोकेशन बैंकरप्ट हो गई, जिसके कारण इस मूवी के लिए काफी परफेक्ट सेट था जिसका इस्तेमाल किया गया। 2017 की जुरासिक वर्ल्ड मूवी के अंदर बहुत कुछ औसम तो था ही, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी था जो ज्यादा कुछ सेंस नहीं बना रहा था। स्पेसिफिकली इस मूवी के अंदर ब्राइस डैलस हॉवर्ड की कैरेक्टर जब एक टीरेक्स के सामने हाई हील्स पहनकर भागती है, जो बेसिकली इस मूवी की रिलीज के दौरान एक बहुत बड़ा मीम भी बना था, बट सरप्राइजिंगली इस पूरे के पूरे सीक्वेंस को करने के लिए उन्होंने एक्चुअली हील्स में भागने की ट्रेनिंग ली थी। अगर लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक नॉन एथलेटिक ह्यूमन बीइंग की टॉप स्पीड तकरीबन 13 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो सकती है, वहीं पर टीरेक्स तकरीबन 16 से 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकता था, इसीलिए इस पूरे के पूरे सीक्वेंस का लॉजिक उतना कुछ खास नहीं है। बात जब डायनासोर की हो रही है, तो इस नए सीरीज के अंदर भी एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स की लेगेसी को बरकरार रखा गया, लेकिन जैसा कि एनिमेट्रॉनिक विजुअल इफेक्ट्स के पायोनियर स्टैन विंस्टन, जिन्होंने पिछली 3 जुरासिक पार्क मूवीज के अंदर डायनासोर्स के एनिमेट्रॉनिक्स को प्रोवाइड करवाया था, 2008 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके कारण लेगेसी इफेक्ट में उनके कई सारे फॉर्मर कलीग्स ने मिलकर इस मूवी के लिए कई सारे एनिमेट्रॉनिक डायनासोर्स को डिजाइन किया था, जहाँ पर ये बेसिकली उन्हीं को एक ट्रिब्यूट थे, जहाँ पर एक स्पेसिफिक सीन के लिए एक डाइंग एप्टोसॉरस को भी डिजाइन किया गया था, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ डायनासोर्स को मोशन कैप्चर का भी इस्तेमाल करके बनाया गया था, इसके साथ साथ यहाँ पर इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक का भी इस्तेमाल किया गया था।
सेकंड मूवी के अंदर हमें ब्रैंकियोसॉरस का एक बहुत ही इमोशनल सीन देखने को मिला था, जहां पर वो जलती हुए आइलैंड के अंदर अकेला छूट जाता है। वेल अपेरेंटली ये ब्रैंकियोसॉरस कोई आम ब्रैंकियोसॉरस नहीं था, और ये बेसिकली वही ब्रैंकियोसॉरस था जो हमें सबसे पहली बार जुरासिक पार्क 1 में देखने को मिला था, जिसे खुद इस मूवी के डायरेक्टर जे ए बायोना ने कन्फर्म किया था। वहीं पर जुरासिक पार्क फॉलन किंगडम के अंदर यहाँ पर तकरीबन 5 एनिमेट्रॉनिक पपेट डायनासोर्स को बनाया गया था, जहाँ पर स्पेसिफिकली वो जायंट टीरेक्स जिसे बेहोश किया गया था उसे कम्प्लीटली मोशन कैप्चर के थ्रू दिखाया गया था। वहीं पर जहाँ पर ब्लू की सर्जरी को दिखाया जाता है वो भी बेसिकली एक एनिमेट्रॉनिक पपेट ही था। वहीं पर जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम के अंदर दिखाया हुआ ईस्टा न्यूब्लार का वॉल्केनिक इरप्शन की भविष्यवाणी हमें जुरासिक वर्ल्ड के अंदर ही देखने को मिली थी, जहां पर जुरासिक वर्ल्ड मूवीज के अंदर ईस्टा न्यूब्लार के दिखाए हुए मैप्स के अंदर ही हमें इस वॉल्केनो को दिखाया गया था, जिसे इंटेंशनली इस मूवी के अंदर रखा गया था ताकि कैटास्ट्रोफिक इवेंट को आगे की आने वाली सीक्वल्स के अंदर दिखाया जा पाए। वहीं पर सेकंड मूवी की मेजर फिल्मिंग साउंड स्टेजेस में हुई थी, जहां पर इंग्लैंड के पाइनवुड स्टूडियोज के अंदर इसकी मेजॉरिटी फिल्मिंग हुई थी, लेकिन ईस्टा न्यूब्लार के डिस्ट्रक्शन वाले सीन्स के लिए यहां पर हवाई के अंदर इसकी शूटिंग हुई है, जिसके लिए बेसिकली एक पूरा का पूरा डिस्ट्रॉयड सेट्स बनाना पड़ा था, क्योंकि 2015 के जुरासिक वर्ल्ड के सेट्स को ऑलरेडी हटा दिया गया था। यहां पर इन डिस्ट्रक्शन वाले सेट्स को बनाना ही नहीं था, बल्कि उसे जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम के हिसाब से एज भी किया जाना था, जिसके कारण उन्हें यहां पर कुछ प्रॉप्स को बनाकर उन्हें इंटेंशनली रीडिजाइन करना पड़ा था। बाद जब इंडोरैप्टर की आई तो यहाँ पर 1931 की बोरिस कार्लोफ की क्रिएशन फ्रैंकेंस्टाइन का इंस्पिरेशन लिया गया। वैसे इस क्रीचर की आइकॉनिक ड्रावनी आवाज को बनाने के लिए यहाँ पर चिवावा, लॉयन, पिग, कुगर और डेंटल ड्रिल की आवाज को एक साथ चलाकर बनाया गया था। थर्ड मूवी शायद इस फ्रेंचाइजी की इकलौती मूवी है जिसके अंदर तकरीबन 35 डायनासोर स्पीसीज को एक्चुअली दिखाया गया था, जहां पर इस मूवी के अंदर कई सारे एनिमेट्रॉनिक डायनासोर का भी इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से 18 एनिमेट्रॉनिक्स को जॉन नोलन ने बनाया था, बाकी बचे हुए डायनासोर को इंडस्ट्रियल लाइट मैजिक और CGI के थ्रू दिखाया गया था। अब जैसा कि इस फ्रेंचाइजी के अंदर डायनासोर्स को एक एक करके कुछ ज्यादा ही स्मार्ट और एक विलनस अप्रोच दिया गया था, थर्ड मूवी के अंदर मेन विलन यानी गाइगेंटोसॉरस को एक्चुअली यहां पर इस मूवी के डायरेक्टर कॉलिन टोवेरो ने कॉमिक बुक के सुपर विलन जोकर को ट्रिब्यूट देते हुए इसे जोकर पर मॉडल किया था, जहां पर इसे सिनिस्टर दिखाया गया था, जहां पर ये बेसिकली सब कुछ जलते हुए अपने सामने देखना चाहता था। बात अगर की जाए यहाँ पर फाइनेंशियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स की, तो यहाँ पर जुरासिक वर्ल्ड को तकरीबन 150 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, जिस बजट पर इसने 1.6 बिलियन डॉलर्स की कमाई की। वहीं पर जुरासिक वर्ल्ड फॉरेन किंगडम को 432 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, और इस बजट पर इसने सिर्फ और सिर्फ 1.3 बिलियन डॉलर्स की कमाई की। फाइनली जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन को यहाँ पर 265 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनाया गया था, और इसने सिर्फ और सिर्फ 1 बिलियन डॉलर्स की कमाई की, डिस्पाइट बीइंग द लोएस्ट रेटेड मूवी ऑफ दिस फ्रेंचाइज। बात अगर अवार्ड्स की जाए तो इस फ्रेंचाइज ने कुछ खास साबित खुद को नहीं किया है अब तक। वहीं पर अगर बात करें जुरासिक पार्क के फ्यूचर के बारे में, तो वैसे तो जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन इस पूरे के पूरे फ्रेंचाइजी का एक कंक्लूजन की तरह थी, लेकिन फिल्म मेकर्स ने इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर ब्रेक नहीं लगाया है, और पहले दो जुरासिक पार्क मूवी के राइटर डेविड कियोप ने इसके आने वाले सीक्वल पर काम चालू कर दिया है, जहां पर हो सकता है कि हमें अगली आने वाली मूवी के अंदर हमें कोई भी पुरानी कास्ट देखने को ना मिले और एक फ्रेश सेट ऑफ कास्ट हमें देखने को मिले, और पॉसिबली इस मूवी को 2025 में रिलीज किया जाने का प्लान बनाया जा रहा है, जहां पर डायरेक्टर डेविड लिंच से भी कुछ डिस्कशंस चल रही थी, बट उन्होंने क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस मूवी को छोड़ दिया। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप इस फ्रेंचाइजी के बारे में और क्या क्या जानते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ऑसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारे इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।